परूशन टोटली डिफरेंट वाटर फास्ट उनकी hmm. बिल्कुल अलग होती है यू लुक एट अक्रॉस बॉर्ड यू लुक नवरात्रि ये लुक एट शिवरात्रि अभी ये इंटरमीट इन फास्टिंग सिक्सटीन एट ट्वेल्व ट्वेल्व आई कॉल इट ओल्ड वाइन इन अव बॉटल पर नया <laughs> नाम दे दिया मार्केटिंग हो गई ठीक है ठीक <laughs> है बट फास्टिंग वी डू अक्रॉस कॉन्टिनेंस एंड फास्टिंग हेल्प्स यू पीरियड जैसे भी करना है कौन सा भी फास्ट करना है लेकिन कर लो बहुत से मैकेज़म्स हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा लेकिन अंडर मेडिकल गाइडेंस करना है क्योंकि फास्टिंग मेडिकल गाइडेंस के अंदर हाँ बिकॉज हाँ, जब हम इंटरमीडियन फास्टिंग करते हैं या हम सिक्सटीन एट करते हैं जो इंटरमीडियन फास्टिंग है या फाइव टू करते हैं अलग किस्म का फास्टिंग है ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडियट फास्टिंग इसमें अगर आपको हॉमोनल फ्लक्चुएशंस हो आपको थायरॉयड की बीमारी हो आपको डायबिटीज़ हो तो फिर आपको फ्लक्चुएशन हो सकते हैं माइग्रेन्स हो सकते हैं ब्लड शुगर गिर सकता है ब्लड शुगर सवेरे ज़्यादा हो सकता है जिसको हम डॉन इफ़ेक्ट कहते हैं फिर पेशेंट बहुत नर्वस हो जाता है और फिर आके कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ तो दैट हैज़ टू बी डन अंडर मेडिकल गाइडेंस क्योंकि बहुत से ज, ज, जैसे समझो डायबिटिक्स हैं वो दवाई ले रहे हैं ब्लड शुगर को घटाने yeah. के लिए तो उनका ड्रॉप हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया मेडिकल इमरजेंसी है थोड़ा शुगर ऊपर गया कुछ नहीं होने वाला लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया मेडिकल इमरजेंसी है विल टेक यू स्ट्रेट टू हॉस्पिटल एंड आईसीयू मतलब कम शुगर होना okay. बहुत ड्रॉप होना तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में बहुत हो, हो जाता है सो so इसलिए यू हैव टू डू इट अंडर गाइडेंस देखिए नो टू पीपल आर द सेम आपका माइक्रोबायोम गट माइक्रोबायोम जो है जो बैक्टीरिया है मेरे से अलग है आपका फैमिली हिस्ट्री जरूर मेरे से अलग है आपका ब्लड रिपोर्ट मेरे से अलग है तो फास्टिंग सेम कैसे कर सकें सब जो हम रिलीजन के नाम पर करते हैं वो फाइव डेज अ वीक सेवन डेज अ वीक पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं करते वो शॉर्ट बर्स में होता है इसलिए तभी अगर आप मेडिकल गाइडेंस नहीं करो चल जाएगा लेकिन ये वे ऑफ लाइफ है जो आउट ऑफ थ्री सिक्सटी डेज समझो टू हंड्रेड डेज करते हैं ये अलग बात है फिर इंटरमीडियन फास्टिंग तो यू फील की जो इंटमीडियन फास्टिंग का जो ट्रेंड है हर कोई फॉलो करने का बोल रहा है और बहुत बेनिफिट्स हैं ये है वो हर किसी को करना नहीं चाहिए सबको करना चाहिए मैं भी करती हूँ मैं हफ़्ते में तीन बार करती हूँ लेकिन मैं सिर्फ कह रही हूँ कि आप गाइडेंस लेके फिर कीजिए और आप देखिए कि आप सेवन डेज हफ्ते में ना कीजिए देखो एक चीज होती है मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी तो मतलब जो अगर हम शादी हो गई किसके घर में या हम हॉलीडे पर चल चले गए तो हम सात दिन हफ्ते में थोड़ी करने वाले हैं इंटरमीटेंट फास्टिंग तो ऐसे ही होना चाहिए कि थोड़े दिन अगर हम नहीं करें तो उसका इलेफेक्ट नहीं होने वाला बैकफायर नहीं करने वाला तो आप सात दिन हफ्ते में ना ना करें चार दिन पांच दिन सब लोग कर सकते हैं उसमें कोई तकलीफ नहीं है और ह्यूज बेनिफिट्स जिसको भी अगर डायबिटीज़ हो जैसे भी हो पॉलीसिस्टिक हो आपको वेट घटाना हो डायबिटीज़ um, की अगर यू नो ठीक से करे तो डायबिटीज़ नहीं होगा मोटापा तो नहीं होगा दैट्स द आइडिया जिसको वेट घटाना है वो भी कर सकते हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली फैट लॉस होता है नॉट मसल लॉस तो इन फास्टिंग कौन सा भी नाम तो दे दो लेकिन बहुत बेनिफिशल है बट सबको अपने अपने हिसाब से करनी चाहिए अपनी बॉडी के हिसाब से तो मेडिकल गाइडेंस के अंडर करनी चाहिए एब्सोल्युटली सलूटली अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो